दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारा जो ये वेबसाइट है इसको हम गूगल सर्च कंसोल में ऐड करेंगे। अगर आप आपका वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना चाहते हो तो ये वीडियो आप पूरा देखो, आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे मैं गूगल सर्च कंसोल का जो अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ। अगर आपको ये लॉगिन नहीं करना आता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो गया, यहाँ पे है एक डोमेन और एक यूआरएल। तो डोमेन में आपको मतलब जो है डीएनएस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, और जो यूआरएल है ये ज़्यादा कुछ नहीं, इसका जो फाइल होता है वो सिर्फ अपलोड करना पड़ता है होस्टिंग में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो डोमेन नाम है हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो डोमेन नाम को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर हम दूसरा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डोमेन नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको डोमेन का यूआरएल नहीं डालना है, ओनली नाम डालना है। तो मेरा गेट इंडिया होस्ट डॉट इन है, तो मैं यहाँ पे गेट इंडिया होस्ट डॉट इन डालूँगा। आपको फर्स्ट में HTTPS नहीं डालना है, ठीक है। तो फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे वेरीफाई होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे जो कुछ मतलब टेक्स्ट का करके कुछ कोड आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है आपको जो डोमेन का DNS रिकॉर्ड है वहाँ पे आपको ये ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद आपका जो cPanel है होस्टिंग का, जहाँ से आप होस्टिंग लियो, तो आपको आपका होस्टिंग का cPanel में आना है। cPanel में आने के बाद हम वहाँ से देख लेते हैं कि वहाँ पे कहाँ क्या करना है। तो यहाँ पे जो है आपको डोमेन DNS सेक्शन पे जाना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो cPanel है, cPanel में आने के थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे जोन एडिटर पर हमारा जो DNS रिकॉर्ड है यहाँ पर मिल जाता है। तो जोन एडिटर पर आने के बाद यहाँ पर जो हमारा होस्टिंग है, सॉरी डोमेन जो है, यहाँ पर हम डोमेन पर मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमको ढूंढना होगा वो चीज़ कहाँ पेस्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको मतलब थोड़ा ध्यान से ढूंढना है, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा तो हमारा डोमेन नाम जो है वो काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ करना, कि TST रिकॉर्ड होगा हमारा डोमेन नाम के बाद। तो यहाँ पर हम कहाँ है ढूँढ लेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों, यहाँ पे हमारा डोमेन नाम है, उसके बाद यहाँ पे TXT रिकॉर्ड है। तो हमको जो है ये वाला जो चेंजेस करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो है एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये इसका एडिट खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये वाला कोड आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हम यहाँ से कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर वापस आएँगे और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे वो वाला कोड। दोस्तों, आपको ध्यान से करना ही है, ठीक है। कट कर दिया, हम यहाँ पर अभी वो जो पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो रिकॉर्ड है यहाँ पे सेव हो गया। अभी अपन करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो रिकॉर्ड है वहाँ पे वेरीफाई हो गया है। अभी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर सकते हो या फिर डन भी कर सकते हो। हम यहाँ पे डन क्लिक करेंगे। यहाँ पे डन पे करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो वो डोमेन है यहाँ पे आ गया। तो हमारा दोस्तों फर्स्ट में हमारा डोमेन नाम जो है वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। अभी हमको क्या करना है कि सेकेंड में जो हमारा URL को है वो भी वेरीफाई करना है। तो फिर से यहाँ पे आएंगे ऐड प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पे URL जो है अभी हमको URL वेरीफाई करना है। तो यहाँ का आपका जो डोमेन का URL है वहाँ पर डालना है। तो आपको ध्यान से HTTPS डालना है, उसके बाद /, उसके बाद आपका जो डोमेन नाम है वो डालना है। तो ये डालने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वहाँ पे वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया है, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई नहीं होना चाहिए था, मुझे कोड देना चाहिए था यहाँ पे, जो कोड हम cPanel में जो है हम यहाँ पे पब्लिक HTML में यहाँ पे अपलोड करेंगे, लेकिन मुझे वो तो कोड दिया ही नहीं, डायरेक्ट वेरीफाई हो गया मेरा। तो दोस्तों, अगर आपका जो वेरीफाई हो जाता है डायरेक्ट तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे पब्लिक HTML में आपको आना है, वो कोड को वहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के पब्लिक HTML यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपको अपलोड कर देना है वो कोड, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आपका जो कोड है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे गो प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में जो साइड मैप है हम वहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।